मुरादाबाद के मूंढा पांडे थाना क्षेत्र के वीरपुर बरियार में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए नकली मावे के साथ पनीर, देसी घी और मावा बनाने का केमिकल बरामद किया है। खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। महाराष्ट्र के तुमसर मेहाड़ी विधानसभा प्रचार के महज 3 दिन बाकी है, ऐसे में अब बड़े चेहरे प्रचार में देखने को मिल रहे हैं। वहीं आज तुमसर के प्रदीप पडोले ने प्रचार में भंडारा गोंदिया जिले के पालक मंत्री परण्यक फुके की उपज मंडी तुमसर से रैली निकालकर अग्रसेन भवन तुमसर में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने रैली निकालकर जिले में द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहन चेकिंग प्रतिक्रिया तेज कर दी गई, जिसमें विशेष रूप से हेलमेट, नाबालिग चालक, ट्रिपल सवारी, सीट बेल्ट आदि की जांच की जाएगी। बहराइच जनपद के मोतीपुर तहसील के अंतर्गत ओरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलहा सुरक्षित विधानसभा उपचुनाव में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पूर्वांचल हमेशा से अपेक्षित रहा है, लेकिन अब ये उपेक्षित नहीं रहेगा। अब यहाँ हर गांव मुख्यधारा से सबको जोड़ेगा व चहुमुखी विकास होगा। आगरा में विजन पड़े कांग्रेस में दोबारा जान फूकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने तहसील बहा निवासी श्रीमती मनोज दीक्षित को जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी है। इस संबंध में कांग्रेस की नवागत जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित ने अपने मनोयन के लिए कांग्रेस आला कमान को धन्यवाद किया है। जिला अध्यक्ष बनने पर सबसे पहले मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के कर्णधार पितामह बुजुर्ग जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करके सिखा के और आज जिले तक जो उन्होंने मुझे पहुंचाया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और सबसे पहले माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मेरी प्रेरणा स्रोत प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझ जैसी एक किसान की बेटी जो एक लास्ट छोर पे पंक्ति पे जो खड़ा होता है कार्यकर्ता, वहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से लाकर मुझे जिले का जो पद दिया है, जिला अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिलाध्यक्ष बनाया है, मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहती हूँ कि जिलाध्यक्ष मैं नहीं, मेरा कार्यकर्ता, हर कार पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है जो आज तक अपने आप को मायूस महसूस कर रहा था, कमज़ोर महसूस कर रहा था, वो कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है जी। बिल्कुल नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि पार्टी में।